So let's see the next question. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle and the total perimeter of the window is 10 meters. यानी कि आप लोगों को उस पूरी पूरी विंडो का पैरीमीटर गिवन है. देन वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट. तो गिवन चीज़ तो हमारे पास पैरामीटर है, लेकिन हमें मैक्सिमाइज़ क्या करना है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया हुआ. यहाँ बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट. आपको पता है कि किसी भी विंडो में से लाइट ज़्यादा तभी निकलेगी जब उसका एरिया ज़्यादा होगा आप लोगों का. ओके, सो यहाँ पे हमें थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है और देखना है कि हमारे पास किसी विंडो में से मैक्सिमम लाइट कब निकलेगी जब उसका हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा. ओके, तो हमें सबसे पहले दिखाना है एग्जामिनर को कि हमें पता है कि भाई हमें मैक्सिमाइज कैसे करना है. ओके, सो वी नो दैट विंडो ऑफ मैक्सिमम एरिया, विंडो ऑफ मैक्सिमम एरिया विल एडमिट, बोलिए चाहे पास बोलिए आपके विषय, एडमिट मैक्सिमम लाइट. यानी कि इन शॉर्ट हम लोगों को यहाँ पे एरिया को मैक्सिमाइज करना है. हालांकि वो क्लियरली विजिबल नहीं था आप लोगों के पास सवाल को देख के, लेकिन हमें पता है कॉमन सेंस के हिसाब से कि मैक्सिमम लाइट विंडो में तभी पास होती है जब उसका एरिया हमारे पास ज़्यादा हो. ओके, नाउ देखिए सवाल में आपके पास क्या चीज़ गिवन है. सवाल में आपके पास गिवन है टोटल पैरीमीटर ऑफ द विंडो, वो आपके पास गिवन है 10. तो उसके लिए मुझे पहले इस पूरी पूरी विंडो का कुछ नामकरण करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रेक्टेंगल भी इन्वॉल्व है और एक सेमी सर्कल भी इन्वॉल्व है. तो लेट्स सपोज मैंने रेक्टेंगल्स की जो लेंथ और ब्रेड थी, लेट्स सपोज ये आपके पास रेक्टेंगल है, लेट्स सपोज मैंने इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड को वेरिएबल्स असाइन कर दिए. लेट्स सपोज मैंने इसको बोल दिया ये है आप लोगों के पास एक्स एंड देन ये है आप लोगों के पास वाई. देन आपको पता है क्योंकि ये सेमी सर्कल रेक्टेंगल की एक बाउंड्री पे ही बना हुआ है, इसका मतलब इस सेमी सर्कल का रेडियस जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा आप लोगों के पास एक्स बाई टू और एक्स बाई टू. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल लें जो कि पूरा हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लेंथ को आप 2x अज्यूम कर लें, देन अपने आप ही ये x और x हो जाएंगी. ओके, हालांकि आप लोग x बाई टू लेके भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे. ओके, अब ध्यान से देखिए हमने क्या क्या अजम्पशंस करी हैं यहाँ पे. तो हम बोलने वाले हैं यहाँ पे कि हमने बोला है कि भाई लेट 2x एंड y बी दी व्हाट लेंथ and breadth of what of the rectangle, of the rectangular part भी हम बोल सकते हैं, of the rectangle. और अगर rectangle की हमारे पास length 2x है, सेमी सर्कल हमारे जस्ट इस rectangle के ऊपर ही बना हुआ है, then हम बोल सकते हैं then x will be the radius of the semicircle. नाउ टोटल पैरीमीटर ऑफ द विंडो इज गिवन एज 10 मीटर्स. तो हमें पता है कि पैरीमीटर ऑफ विंडो जो होगा हमारा वो किस किस से मिलके बना होगा. तो आपको पूरी पूरी बाउंड्री एडअप करनी है. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखिए गलती क्या होती है. लेट सपोज आपने सोचा कि भाई हम पैरीमीटर को ऐसे इवेल्युएट कर लेते हैं. मान लीजिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर पार्ट है. ओके, एंड देन इसके जस्ट ऊपर आपने बनाया हुआ है एक सेमी सर्कुलर पार्ट. ओके, सो आप लोग क्या करते हैं, पैरामीटर जब आप इवेल्यूएट करते हैं इसका, तो आप लोग इसको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे एंड देन इसको ऐड करेंगे. उसके बाद आप लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सेमी सर्कल को ऐड अप कर देंगे उसके अंदर. बट याद रखिएगा यही तरीका गलत है आप लोगों के पास. जो भी सवाल हमारे पास इस विंडो टाइप का आएगा उसके अंदर कभी भी आप लोगों को इस टाइप के इस वाली एज को नहीं काउंट करना पैरामीटर के अंदर. इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है. जब कभी भी आप लोगों के पास पैरामीटर वाला सवाल आएगा तो कभी भी आप लोगों को इस वाली एज को काउंट नहीं करना है, ठीक है. माइंड में रखिएगा इस बात को, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा बच्चे यहीं पे करते हैं, ठीक है. ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से. तो देखिएगा आपके पास पैरामीटर क्या हो जाएगा. आप सो पैरामीटर ऑफ द विंडो कैन बी रिटन एज व्हाट, 2x के अंदर आप y ऐड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस में y तो ऐड होगा, साथ में ये वाली साइड तो ऐड होगी, बस ऊपर वाली साइड आपको ऐड नहीं करनी. 2x प्लस में 2y एंड देन प्लस में आपको करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ दी व्हाट, सेमी सर्कल आपको ऐड करना है. तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो होता है 2πr. तो सेमी सर्कल का हमारे पास हो जाएगा ओनली पाई आर. आर का मतलब यहाँ पे है आपके पास x. ओके, आपको पता है पैरामीटर आपको गिवन था यहाँ पे 10. तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू
2x प्लस में 2y एंड प्लस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे पाई एक्स, और लेट्स सपोज हमने यहाँ पे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, लेट्स सपोज हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस में 2x एंड माइनस में पाई एक्स। ऑल राइट, माइनस में 2x होगा, माइनस में पाई एक्स होगा। हम यही बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, क्यों ना हम यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लें, सो ये हमारे, चलिए छोड़िए बाद में ले लेंगे कॉमन उस चीज़ को, 10 माइनस में 2x माइनस में पाई एक्स एंड देन पाई एक्स एंड देन डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 2। ऑल राइट, नाउ इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज हमें पता है कि एक वेरिएबल कोई गिवन चीज़ में और किसी और वेरिएबल में अगर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो वेरिएबल हमारे बहुत काम का होता है बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए। ओके, नाउ देखिएगा आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना था, तो आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमाइज करना था एरिया को, सो हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे अब एरिया वेरिएबल को, तो ये हो जाएगा लेट कैपिटल ए बी दी एरिया ऑफ दी विंडो। अब विंडो जो है आप लोगों की वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, जो हमारे पास हो जाएगा लेंथ इन टू ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ हमारे पास है वाई, प्लस में एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट, तो वो हो जाएगा हमारे पास, अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई बाई टू एंड देन आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया को आप लोग अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो क्यों ना हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करें यहाँ पे और बोल दें 2x इंटू में वाई की वैल्यू आपके पास आई है 10 माइनस में 2x माइनस में पाई एक्स एंड देन डिवाइड बाई 2 आपके पास आया हुआ है नो डाउट, प्लस में पाई बाई 2 है आपके पास और एक्स स्क्वायर भी है आप लोगों के पास। ओके, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, ए आपको मिल जाएगा कितना अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा आपके पास 10x माइनस में 2x स्क्वायर एंड देन माइनस में ही आपके पास आएगा पाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस में पाई बाई 2 एंड देन एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं तो यहाँ पे आपके सिंप्लीफिकेशन का चांस बनता है, एक पाई एक्स है यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे है आधा, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा माइनस में ही हाफ, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में हाफ का मतलब पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, फटाफट हम लोग काम करते हैं वाला। नाउ देखिएगा, आप देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है सिर्फ एक्स, तो आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो हम यहाँ बोलेंगे नाउ डी ए ओवर डी एक्स हम फाइंड करने वाले हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास हो जाएगा 10x का हो जाएगा 10 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 4x और ये हो जाएगा माइनस में ही क्या पाई बाई 2 इंटू में एक्स स्क्वायर का होगा 2x, पाई 2 से 2 कट जाएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई का x ओनली। ओके, तो अब करेंगे हम लोग फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स बोल चाहे एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलिए आपके विषय, क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे हम लोग डी ए ओवर डी एक्स को इक्वल टू 0, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 10 माइनस में 4x माइनस में पाई एक्स इक्वल्स टू आपने 0 पुट किया, 10 को यहीं छोड़िए बाकी सबको लेके जाइए उस साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस में पाई एक्स। ओके, और अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा 10 अपॉन में पाई प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स बचेगा यहाँ पर अकेला। ओके, सो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, नाउ आपको चेक करना है कि ये पॉइंट हमारे पास मैक्सिमा का पॉइंट है फिर मिनिमा का पॉइंट है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को प्लीज़। सो हम यहाँ फाइंड करने वाले हैं, अब क्या हम यहाँ फाइंड करने वाले हैं, नाउ डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर को, और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे आएगी। सो डी ए ओवर डी एक्स आपके पास जो आया है वो आया है आपके पास ये, तो हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा 10 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 4 एंड देन आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का ही पाई, तो अल्टीमेटली आप इसको बोल सकते हैं माइनस का 4 प्लस में पाई। एक चीज़ देखिएगा, एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये होगा पॉजिटिव और ये अल्टीमेटली हो जाएगा नेगेटिव, फिर भी हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए काम कर लेते हैं कि डी टू ए ओवर में डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में पाई प्लस 4 को हम चेक करते हैं, तो आपके पास देखिए एक्स है ही नहीं, तो आपके पास यही नंबर आने वाला है और ये अल्टीमेटली आपको मिल रहा है नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बोल सकते हैं कि एरिया ए विल बी मैक्सिमम व्हेन व्हाट व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में पाई प्लस 4 होगा आप लोगों के पास। ओके, बट आपको ये मतलब नहीं था कि आपके पास एरिया मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा,
आपको फाइंड करनी थी डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो, यानी कि आप लोग को अल्टीमेटली फाइंड करना है ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ के लिए आपको देखिए एक्स तो आपको मिल चुका है, तो टू एक्स आपके पास आराम से आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को वाई भी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो आप इस्तेमाल करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन का, ध्यान से कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं एक और पार्टीशन यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करते रहिए क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे। ओके सो आप लोग अगर फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को पुट करेंगे, देखिए आपको क्या मिलेगा। सो अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में पाई प्लस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा, वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब आपके पास हो जाएगा 10 अपॉन में पाई प्लस 4 एंड आपके पास था यहाँ पे माइनस का पाई एक्स, एक्स का मतलब अगेन ये, तो क्यों ना मैं एक्स को यहाँ कॉमन ले लूँ, बिकॉज मेरे लिए काफ़ी हैंडी रहेगा सॉल्व करना। सो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं ऐसे भी, 10 माइनस में एक्स को ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में पाई, ओके एंड देन डिवाइड बाई आपके पास आएगा 2। तो मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, अपॉन में आएगा 2 आपके पास, मैं इसका इस्तेमाल यहाँ कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 10 माइनस में एक्स का मतलब, एक्स का मतलब आपके पास हो जाएगा 10 अपॉन में फाइव प्लस में 4 एंड देन इंटू में 2 प्लस में पाई एंड डिवाइड बाई आपके पास था यहाँ पे 2। सो अल्टीमेटली आपको इस पूरे को सॉल्व करना है, बस एलसीएम का खेल है यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप भी, ध्यान से देखिए क्या मिलता है आपको। सो ये हो जाएगा आपके पास 10 पाई प्लस में 40 एंड देन माइनस में 20 एंड देन माइनस का 10 पाई एंड देन डिवाइडेड बाई आपके पास आया था यहाँ पे 2। सो वाई इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 10 पाई से यहाँ पे 10 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 माइनस 20 इज 20 और एलसीएम भी आया था, सॉरी यहाँ पे तो मैं एलसीएम लिखना भूल गया, पाई प्लस में 4 आएगा यहाँ पे एलसीएम, ये हो जाएगा आपके पास 20 अपॉन में पाई प्लस में 4। ओके आप एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट भी तो उसके नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया उस चीज़ को। वाई भी आपके पास आ चुका है, एक्स भी आपके पास आ चुका है, ना देखिएगा कैसे सवाल होगा सॉल्व। आपसे बोला था इसने रेक्टेंगुलर पार्ट का डायमेंशंस आपको निकालना है, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सो द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, लेंथ हमारी थी 2x और ब्रेथ थी हमारी y ओनली। ओके तो x हमारे पास कितना आया था, x हमारे पास आया था 10 अपॉन में पाई प्लस 4, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 अपॉन में पाई प्लस 4, सो दिस विल गिव 20 अपॉन में पाई प्लस 4। ओके एंड देन y इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, सो y इक्वल टू हमारे पास आया था 20 अपॉन में पाई प्लस 4, सो ये हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन में पाई प्लस 4। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एनालाइज करें। और ध्यान देने बात आपको ये है कि जब कभी भी आपके पास विंडो वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल के ऊपर आप लोगों ने सरमाउंट कर दिया सेमी सर्कल को, देन कभी भी आप लोग इस वाले पार्ट को पैरामीटर में इंक्लूड नहीं करेंगे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके इस वाले पार्ट को कभी भी आप लोग रेक्टेंगल में सॉरी पैरामीटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लीजिए।